प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों टैली का फिर से एक नया रिलीज आ चुका है, टैली ईआरपी 9 रिलीज 6.6.2। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस नए रिलीज में हमें कौन कौन से नए अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से आपको नए रिलीज को अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और उसे एक्टिवेट करना है। दोस्तों आप अपने टैली सॉफ्टवेयर के बॉटम में वर्जन एंड अपडेट सेक्शन में एक मैसेज देख रहे होंगे, सीरीज ए रिलीज 6.6.2 अवेलेबल। अभी तक हम टैली ईआरपी 9 रिलीज 6.6.1 यूज कर रहे हैं और अब टैली सॉल्यूशंस ने 6.6.2 रिलीज कर दिया है। दोस्तों इस नए रिलीज में जो सबसे पहला बदलाव हुआ है वो ऑनलाइन रिपोर्ट्स को लेकर हुआ है। जो हम ब्राउजर में एक्सेस कर रहे थे उन रिपोर्ट्स को अब आप एक्सेल फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपनी रिपोर्ट्स को ऑनलाइन एक्सेस करेंगे तो आप डाउनलोड वाले बटन पर जब क्लिक करते हैं तो वहाँ अब आपको एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिखाई देगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है वो अकाउंट्स और इन्वेंट्री फीचर्स को लेकर हुआ है। उसमें सबसे पहला बदलाव आपको सेल्स ऑर्डर में देखने को मिलेगा। अब आप सेल्स ऑर्डर की एंट्री करते समय जो ड्यू डेट डालते हैं वो यदि आपने करंट वाउचर डेट से पहले की डेट डाली है तो टैली अब आपको वार्न करेगा, एक वार्निंग मैसेज आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, जो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली टैली को अपडेट करने के बाद बता दूंगा। इसी तरह से ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट जब हम देखते हैं तो वहाँ पर एक बटन दिया गया है F7। F7 बटन से आप वाउचर वाइज डिटेल देख पाते हैं, लेकिन वास्तव में ये बटन टैली में कोई काम नहीं करता है। जब आप इस F7 बटन को प्रेस करते हैं तो आपको ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देती है। तो इस नए रिलीज में इस प्रॉब्लम को भी अब सॉल्व आउट कर दिया गया है। इस तरह से अकाउंट्स और इन्वेंट्री के अंदर ही एक और अपडेट हमको मिलेगा बजट मैनेजमेंट को लेकर। दोस्तों जब आप बजट बनाते हैं और ग्रुप वाइज बजट क्रिएट करने जाते हैं तो जैसे ही आप ग्रुप को यस करते हुए अंदर आते हैं बजट क्रिएट करने के लिए, तो भले ही आपने ग्रुप पर बजट क्रिएट करना है लेकिन वहाँ पर आपको ऊपर हेडिंग में अकाउंट्स नेम दिखाई देता है, जबकि यहाँ पर ग्रुप नेम होना चाहिए। तो इसे भी अब नए रिलीज में ठीक कर दिया गया है। इस तरह से जो अगला अपडेट है वो GST इनवॉइस को लेकर है। GST इनवॉइसेस में यदि आप किसी रजिस्टर्ड डीलर को टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड नील रेटेड गुड्स सेल आउट करते हैं और उसकी इनवॉइस प्रिंट करते हैं तो दोस्तों पहले इनवॉइस प्रिंट करते समय इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई प्रिंट होता था, लेकिन अब नए रिलीज में आपको इस तरह की सेल्स इनवॉइस प्रिंट करते समय GST टैक्स इनवॉइस प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। और इसी तरह से यदि आप अनरजिस्टर्ड डीलर URD को सेल आउट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी इनवॉइस पर इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई प्रिंट होता हुआ आपको मिलेगा। अगला अपडेट RCM को लेकर है। यदि आप URD से गुड्स परचेस कर रहे हैं और वो भी 5,000 रुपये से कम की वैल्यू का आपने गुड्स परचेस किया है तो अभी ये ट्रांजेक्शन हमें GSTR 3B में सेक्शन 5 फ्रॉम अ सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड सप्लाई में शो होता है, लेकिन जब आप इसे फर्दर एंटर प्रेस करते हैं तो उसकी डिटेल हमें दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों जब आप GST डिटेल में रिवर्स चार्ज को एक्टिवेट नहीं करते हैं और इस तरह की कोई एंट्री पास करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, परचेज वाउचर में URD से हमने गुड्स परचेज किया है, यदि आप ऑल्ट ए अल्टर F1 करके देखेंगे तो परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल आ रहा है, लेकिन 5,000 रुपये से कम की वैल्यू का गुड्स हमने परचेज किया है इसलिए ये एग्जेम्प्टेड होना चाहिए। तो जब आप GSTR 3B में जाकर देखेंगे सेक्शन 5 वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन GST इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अ सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जेम्प्ट नील रेटेड सप्लाई में ये वैल्यू यहाँ पर दिखाई देती है 1000, एग्जेम्प्टेड में आ रहा है 1000, लेकिन जब आप इसे एंटर प्रेस करते हैं तो कोई डिटेल इसकी शो नहीं होती है। तो अब नए रिलीज में आपको डिटेल्स भी शो होने लगेगी। दोस्तों टैली ने छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव इस नए रिलीज में किए हैं। आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर को किस तरह से अपडेट करेंगे। यदि हमारे पास लाइसेंस वर्जन है तो हमें किस तरह से अपडेट करना है, और यदि हमारे पास एजुकेशनल वर्जन है, फ्री वाला वर्जन है, तो हमें अपने सॉफ्टवेयर को किस तरह से अपडेट करना है। दोस्तों अपडेट करने से पहले आप अपनी कंपनी का जो डेटा है उसका बैकअप जरूर ले लीजिएगा, उसके बाद ही अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों यदि आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आपको अपने टैली सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए वर्जन एंड अपडेट सेक्शन में सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको टैली ईआरपी 9 रिलीज 6.6.2 की पूरी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। कई बार नए रिलीज की डिटेल यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देती है तो आपको F12 प्रेस करना है और शो ऑल रिलीजेस इस ऑप्शन को यस कर देना है। देन इसी स्क्रीन पर आप F6 प्रेस कीजिएगा। टैली रिस्टार्ट होने के लिए आपसे परमिशन पूछेगा और जैसे ही हमारा टैली रिस्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली
आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। देखिए टेली रिस्टार्ट हो चुका है और अब हमें अपडेटेड वर्जन रिलीज 6.6.2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये तो बात हुई लाइसेंस वर्जन को हमें किस तरह से अपडेट करना है। यदि आपके पास एजुकेशनल वर्जन है, फ्री वाला वर्जन है, तो उसे अपडेट करने के लिए आप tallysolutions.com/download इस वेब पेज को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से आप नए रिलीज को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों नए रिलीज में जो पहला अपडेट हमें मिला है वो सेल्स ऑर्डर को लेकर मिला है। आइए सबसे पहले सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके लिए आपको गेट वेब टेली में F11 प्रेस करना है, इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है और यहाँ आपको सेल्स ऑर्डर ऑप्शन को एक्टिवेट कर देना है। दोस्तों जब भी हम सेल्स ऑर्डर यहाँ पर पास करेंगे, ऑर्डर वाउचर्स में आप सेल्स ऑर्डर को ओपन कर सकते हैं या फिर आप वाउचर एंट्री करते समय ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करते हुए सेल्स ऑर्डर ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इस नए वर्जन में जब हम सेल्स ऑर्डर में एंट्री करते हैं तो आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ पर अभी करंट डेट 14 अप्रैल चल रहा है और सपोज़ लोकल पार्टी को एक ऑर्डर प्लेस करना है। अब टेली यहाँ पर ऑर्डर की ड्यू डेट पूछता है और बाय डिफ़ॉल्ट सेम डेट यहाँ पर आ रही है, लेकिन पुराने वर्जन में ड्यू डेट गलती से बैक डेट भी डाल देते थे तो भी वो ले लेता था, कोई यहाँ पर एरर डिस्प्ले नहीं होता। पर नए वर्जन में अब आपको यहाँ पर वार्निंग मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि आपने जो करंट डेट है उससे पहले की डेट यहाँ पर डाल दी है। तो ये एक नया अपडेट नए वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो अपडेट है वो था ट्रायल बैलेंस को लेकर, कि जब ट्रायल बैलेंस का रिपोर्ट देखने के लिए जाते थे डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देता था F7 वाउचर। पुराने वर्जन में F7 वाउचर की प्रेस करने पर आपको ब्लैंक स्क्रीन डिस्प्ले हो रही थी, अब नए वर्जन में इस फंक्शन को, इस की को डिसेबल कर दिया गया है। तीसरा अपडेट बजट्स को लेकर था। उसके लिए हमें सबसे पहले बजट्स एक्टिवेट करने होंगे। F11 अकाउंटिंग फीचर्स, उसमें मेंटेन बजट एंड कंट्रोल्स आपको यस कर देना है। दोस्तों जब हम बजट क्रिएट करने के लिए अकाउंट्स इन्फो बजट्स क्रिएट, सपोज हम डेटर बजट बनाना चाहते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च और ग्रुप बेस्ड हम बजट क्रिएट करना चाहते हैं, तो जैसे ही हमने ग्रुप पर यस किया तो टैली के पहले वाले वर्जन में यहाँ कॉलम के हेडिंग में अकाउंट नेम डिस्प्ले होता था। दोस्तों नए वर्जन में ये करेक्शन कर दिया गया है, अब यहाँ पर आप ग्रुप नेम देख पा रहे हैं। तो ये तीसरा हमारा अपडेट था। चौथा अपडेट GST इनवॉइस को लेकर है। दोस्तों जब कभी आप किसी रजिस्टर्ड पार्टी को टैक्सेबल गुड सेल कर रहे हैं और उसकी इनवॉइस आप प्रिंट कर रहे हैं, तो इनवॉइस प्रिंट करते समय इनवॉइस का जो हेडिंग आता है, रिपोर्ट का जो टाइटल आता है, वो टैक्स इनवॉइस प्रिंट होकर आता है। लेकिन इसी इनवॉइस में यदि आप टैक्सेबल गुड्स के साथ साथ एग्जेम्प्टेड गुड्स या नील रेटेड गुड्स भी सेल आउट करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट किया गया है। आप देखेंगे ऑल्ट ए ऑल्ट F1 हमारा जो सॉफ्ट टॉयज स्टॉक आइटम है वो एग्जेम्प्टेड है और टेडी बियर जो आइटम है वो हमारा टैक्सेबल है। तो जब आप इस तरह का कोई इनवॉइस तैयार कर रहे हैं जिसमें टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड आइटम भी इंक्लूडेड है और हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है, तो उसका इनवॉइस प्रिंट करते समय पहले इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई प्रिंट होता था, अब दोस्तों यहाँ पर टैक्स इनवॉइस ही प्रिंट हो रहा है। इसी तरह से यदि हमारी पार्टी जिसे हम गुड्स सेल आउट कर रहे हैं वो URD है, तो उस कंडीशन में इनवॉइस प्रिंट करते समय रिपोर्ट का टाइटल चेंज हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ एक पार्टी है URD मैसर जय एंड कंपनी, जिसे हम गुड सेल आउट कर रहे हैं, ऐसी पार्टी को इस तरह का इनवॉइस प्रिंट करते समय इनवॉइस के टाइटल में इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इस तरह से अब प्रिंट होकर आपको मिलेगा। अगला हमारा अपडेट है GSTR 3B को लेकर। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, GSTR 3B में सेक्शन 5 में आप देखेंगे वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट नील रेटेड और इनवर्ट सप्लाई, उसमें हम जो एंट्री पास कर रहे थे पहले वाले वर्जन में एग्जेम्प्टेड सप्लाई की वैल्यू दिखाई दे रही है, पर पुराने वर्जन में जब हम एंटर प्रेस कर रहे थे तो वहाँ कोई डिटेल शो नहीं हो रही थी और नए वर्जन में अब आपको यहाँ पर एंट्रीज दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों ये छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव आपको नए वर्जन में देखने को मिलेंगे। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप टैली GST कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर टैली GST कोर्स इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको करियर प्लैनेट की एंड्रॉयड ऐप दिखाई देगी, उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।